थोड़ा हाइडिंग में कौन एक मग नहीं तो जलटा के जोड़ा ढाल एंड यहां का अपडेट भी दिखा दे रहा हूं टू सो फाइनली बहुत दिन बाद मैं फिश रूम का अपडेट दिखाने वाला हूँ। बहुत लोगों का डिमांड था क्या क्या चेंजेस हुआ है, कौन सा नया टैंक्स ऐड हुआ है, एंड बीच में बहुत लोग का अपडेट शायद पता होगा क्या क्या हुआ था। तो मैं लाइट अभी ऑन करूँगा। 1 2 3 अभी मैं वाइड एंगल पे ले रहा हूँ। तो ये एक वाइड एंगल का टूर है, देख सकते हैं आप पीछे बहुत सारे चेंजेस हुआ है। एक स्टिकर ऐड हुआ है, मैं वहाँ जाके सामने से दिखा होगा। ऑलराइट, तो ये देख सकते हैं वही रूम है, मैंने पेंट भी नहीं किया है, बहुत अभी बिजी रहता हूँ। एंड ये देखिए मेरा सेकेंड अरापाइमा कितना बड़ा हुआ है, एंड मेरा बड़ा वाला अरावाना। ओके, बहुत जल्द मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा। अभी विंटर का टाइम थोड़ा रिक्स रहता है, तो थोड़ा देर और देख लेता हूँ मैं, एक दो महीना, उसके बाद ट्रांसफ़र करूँगा। मैंने अभी ऑफ़ किया है ऑक्सीजन फिल्टर वगैरह, आप लोग बोलते हैं बहुत नॉइज़ आता है तो इसलिए ऑफ है। ये हीटर है, रूम हीट करता है। अभी रूम बहुत गर्म है तो मैं जनरली यहाँ पर कोई हीटर यूज़ नहीं करता हूँ, बहुत गर्म रहता है। यानी देखिए RTC आ रहा है, ये भी बड़ा हो रहा है। परुण सर का भी एक PC जिंदा है मेरा पास, दो रिसेंटली मरा है, बहुत लोग को पता होगा। ऑलराइट, तो इधर देखिए बहुत सारा टैंक्स ऐड हुआ है। पहला वाला टैंक ये देख सकते हैं, छोटा सा मेरा प्लांटेड टैंक है। इसमें बेसिकली वीडियो का कुछ कलेक्शन है। यहाँ पहले एक बेटा फिश था, वो मैं दे दिया हूँ, ठीक है। इस तरह का और भी टैंक्स है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए सिंपल नॉन CO2 प्लांट्स है, कोई ऑक्सीजन कोई फिल्टर कुछ नहीं लगता इसमें। सेकंड ये जो टैंक नया बना है रिसेंटली, 3 फीट का है ये, इसमें दो इंटरेस्टिंग फिश है, मैं आपको सामने से दिखाऊंगा। एंड ये भी काइंड ऑफ ए रेस्क्यू है, अच्छे से दिखा रहा हूँ। ये देखिए गोल्डन डोराडो है यहाँ पर, और एक फायर ईल है। ये देखिए फायर ईल को भी मैं क्लोज में दिखाता हूँ, थोड़ा हाइडिंग में रहता है। ये देखिए फायर ईल, ठीक नहीं हो जाता मैं उसको दूसरा जगह ट्रांसफर नहीं करूँगा, अभी के लिए यहीं पर रहेगा। और यहाँ देखिए गोल्डन डोराडो बहुत ही अच्छा फीडिंग लेता है, फास्ट फीस है बहुत पहले से, हमेशा स्विम करता रहता है कॉन्स्टेंट, ठीक है। अभी थोड़ा डर गया है, एंड इसको तो आप लोग पहचानते होंगे, मेरा जाइंट गोरा भी हमेशा एंग्री रहता है, हमेशा ऑलवेज एंग्री। इसी का बाजू में है छोटा वाला एक जैन गोरामी, लाइक इसको मैं बहुत जगह भेजा, वो वापस मेरा पास ही आ जाता है। आई थिंक आप लोग कमेंट कीजिए मुझे इसको रखना चाहिए कि नहीं, रेस करना चाहिए कि नहीं, ना इसको मैं शॉप में भेज दूँ, मुझे आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। लाइक बहुत अच्छा है, क्यूट है, एंड हमेशा एक्टिव रहता है, एंड इतना बदमाश है बड़े बड़े फिश को भी मारता है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसको। ऑलराइट, नेक्स्ट टैंक में इधर दिखाता हूँ। ये एक और प्लांटेड टैंक है, एंड इसमें भी बहुत सारे टेट्रा का वैरायटी है, नियोन टेट्रा है, कार्डिनल टेट्रा है, विडो है, कप्पी से कुछ स्नेल्स है, एंड प्लांट्स का मुझे उतना पता नहीं कौन सा प्लांट्स है। चेरी बार्ब है, जेवरा फिश है, ठीक है। ये भी बहुत दिनों से चल रहा है, इसमें भी कुछ फिल्टर ऑक्सीजन नहीं है, बस हम लोग मंथली एक हफ्ता या मंथली हम लोग वाटर चेंज करते हैं। हार्ली क्वीन रास्पोरा भी है, आप देख सकते हैं,
एंड यहाँ पर ये भी लाइक अभी बोलता हूँ ना, मेरा मूड स्विंग होता है हमेशा। मैं कभी ये फिश रखता हूँ, कभी वो फिश। तो इसमें कोई ऐसा ठीक नहीं है। अब इसमें पोलर पैरट है बहुत सारे, आप लोग देख सकते हैं कलर कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा फिश है। इसमें एक और वीडियो का कलेक्शन है, बड़े साइज का वीडियो है इसमें। और इसमें एक कैट फिश है, आई थिंक अभी हाइड कर रहा होगा वो। फिन क्या बोलते हैं इसको, लेपर्ड कैट भी बोलते हैं। अभी हाइडिंग पे है, मैं नहीं दिखा सकता। ये एक और टैंक है मेरा नाइफ का, नाइफ है। इसमें कुछ मेलन बार्ब है, कुछ रोजी बार्ब है, बार्ब का कलेक्शन है इसमें भी। हॉकी स्टिक वगैरह है एंड एक नाइफ है बड़ा साइज का। एंड इसमें भी कुछ टेट्रा, इसमें भी मैं सेटअप करूँगा। अभी खाली है ऑलमोस्ट, कुछ ब्लड फिन टेट्रा है, गॉबी है, गॉबी इंडियन गॉबी, वो देखिए साइड में चिपका हुआ है। ये भी बहुत लाइक रेनी सीजन से मेरा पास से, मैं इसको 2 पीस है रखा हूँ, फीडिंग भी लेता है। कभी मैं दिखाऊंगा इसका फीडिंग वीडियो शॉट। एंड लास्टली ये मेरा रिसेंट टैंक है, इसमें देख सकते हैं आप एक बेटा फिश है, बहुत ही अच्छा लगा है मुझे ये बेटा फिश। आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग को कैसा लगा है। इसका कलर बहुत ही अच्छा है, देखिए कितना जॉर्जियस है। तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 1-2 लाख का मछली नहीं है, ठीक है। देखिए कलर इसका, ओके। एंड यहाँ पर एक 100 पीस है, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने एक वाटरफॉल में इसको चला के लास्ट में दिखा होगा कैसे होता है। एंड प्लांट्स वगैरह वही सब है, कुछ ऐड नहीं किया हूँ। ये स्टिकर मैं ऐड किया हूँ। एंड फिल्ट्रेशन जो ड्रम टाइप का था वही सेम फिल्टर में यूज़ करता हूँ, पानी हमेशा क्लियर रहता है। एंड ये देखिए बॉस एंड मेरा बड़ा अरवाना परम शार्क भी बहुत बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। आरटीसी, एक और आरटीसी इधर कॉर्नर पे है, ओके। तो पॉन्ड अभी थोड़ा खाली खाली है आई नो, बट बहुत जल्द इसमें फिश आने वाले है। आज रात को ही शायद आएगा, क्या आएगा अगर आ जाता है तो मैं वीडियो पे ऐड कर दूंगा। और कुछ श्योर नहीं है मेरा अभी, मतलब बहुत सारा चेंजेस करना बाकी है फिश रूम में। ये देख सकते हैं फायर हिल को और इसको बाहर निकला है, ओके। तो फिश रूम में अभी यही सब फिशेस है, आप लोग ने देख लिया, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल। एंड डेकोरेशन का भी प्लान है, बहुत कुछ चेंज करूँगा। टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है अभी, मतलब शॉप खोलने के बाद स्पेशली लाइक मुझे हर चीज़ में टाइम देना पड़ता है, फैमिली है, तो दैट्स द रीज़न। एंड आपको मैं वो वाला फाउंटेन चला के दिखा रहा हूँ कैसे होता है। एंड थोड़ा सा स्टिक में फिट करूँगा एरापैमा को, देखते हैं कैसा करता है। 1 2 ओके, वेरी नाइस। तो वहाँ से देखिएगा पानी कितना अच्छा निकलेगा, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड किसी का भी कुछ भी सजेशन हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टैंक्स है यहाँ पर। एक और फिश रूम बनाने का मैं प्लान कर रहा हूँ बहुत जल्द, आई डोंट नो कब बना होगा। तो अभी के लिए कुछ भी सजेशन हो आप लोग हमें कर सकते कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लास्ट टाइम वाला मेरा फिश रूम का पॉन्ड का वीडियो बहुत मतलब अच्छा व्यूज़ आया उसमें, थैंक यू एवरीवन। लाइक इंडिया पे मॉन्स्टर फिश रखना वेरी चैलेंजिंग, लाइक वेदर, क्लाइमेट, पानी का, वाटर पैरामीटर्स, बहुत लोग को मिसगाइड भी करते हैं बहुत सारे सेलर्स। तो प्रॉपर नॉलेज आपको अगर जानना है मॉन्स्टर फिश के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड विंटर पे पॉन्ड कैसे हीट करना है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फिल्टर कैसे बनाता है वीडियो बना चुका हूँ, इन सब फिश का केयर वीडियो भी बन गया है बहुत सारा। परम सर का बनेगा, ये देखिए कैसे पानी गिर रहे हैं।
मैजिक। एंड ये सब का उतना अपडेट देने का टाइम नहीं मिलता, इसमें फिश आते रहता है, बहुत ज़्यादा निकल भी जाता है। अभी कुछ बड़े साइज के एंजल फिश भी आया है। ओके, तो उतना टाइम अभी नहीं मिलता है, हर वीडियो में स्टॉक दिखाने का भी टाइम नहीं मिलता है। एंड यहाँ का अपडेट भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं सब चिल कर रहे हैं। तो ये था आज का अपडेट गाइस, ये मेरा सेकंड पॉन्ड है, इसमें आप लोगों को पता है क्या क्या फीस है। यहाँ पर सेकंड एरा पर मैं को बहुत जल्द में ट्रांसफ़र करूँगा, बट अभी नहीं, अभी थोड़ा लाइक देख रहे हैं मेंटेनेंस भी, पानी भी हम लोग चेंज किया है, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस बाकी है अभी। तो ये हम लोग का फिल्टर है, इसके अंदर ड्रम लगा है बहुत सारा, यहाँ फिल्टर होता है। ओके, तो ये था छोटा सा अपडेट। एंड इसमें कुछ कॉइल्स वगैरह है, ये शॉप में लाइक सेलिंग पर्पस के लिए है, हमेशा आते रहता है यहाँ पर कोई। तो शॉप का अपडेट भी दिखा होगा, शॉप में भी बहुत सारा खर्चा हुआ है अभी, लाइक हीटर वगैरह बैठा है, उसका भी अपडेट बहुत जल्द दिखा होगा। राग बैठने रखो, ये देखो सेनेगल एडजस्ट আর দুটো মাছ আছে, ড্রামের মাছটা আছে, ওটা বড় আছে, বড় বড় মাছ আছে দুটো। এ দেখে ডাইরেক্ট ওখানে ছাড়বো, কিছুক্ষণ একটা মগ নিয়ে এসো তো ওই জলটা কিছুটা ঢালা যেতে। ওটা কোথায় ছাড়বে? এখানে দেবো, পাম্পটা অফ কর। একটু পড়ে জলটা অ্যাড যাস, আস্তে আস্তে তো একটা একটাকে তুল, একটাকে তুল, আগে একটাকে তুল, তো চলে এসছে। আচ্ছা উঠা উঠা, আচ্ছা আচ্ছা, খেতে যাচ্ছে, দেখে নিয়েছি, দু মিনিট দাঁড়া তো, দেখ তুই ওটাকে দেখ, আমি এটাকে দেখছি, বহুত ছোট হবে, আমার মাছগুলো অনেক বড়, ধরনে আবার এমন পন্ডায় ছাড়া যাবে না। সালা কমেডি হচ্ছে, আমি ভাবছিলাম এটি হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা ওটা ওটা, এখন এটা আসার বয়স হয়নি আছে নাকি? सन फेल्ड हुआ है, ये अभी बहुत छोटा है मेरे पॉन्ड के लिए, मेरा फिशेस आरटीसी खाने का कोशिश कर रहा है, तो मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा मेरा उधर जो सीमेंट टैंक है फॉर टेम्पोरारी। आई थिंक मुझे और भी टैंक्स बनाना होगा, एंड यहाँ पर पीकॉक बास को डालूँगा फिलहाल। वही नाला फैला ना, वही नाला फैला, छेड़ दे छेड़ दे छेड़ दे, घर आता है, ढुका ढुका ढुका, जरा हालो कर उठा भी ना लफाई। हाँ चल चल चल, सो जा, चलो चलो चलो, हाथ 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 दी बिना काटा आ चेगा और उठा, ये आतंकवादी ले गए चबा ले अभी जा खोल लो, चुप अखन चुप चुप, কোথায় দিয়ে দিবে। বাচ্চা আছিস বে তোরা, এখন
ফালতু ফালতু আমার ঝামেলা আছে, ফালতু ফালতু এদেরকে মেরে দিতে। আমি ওইটি তো বিল সাদা চলে গেল, আমি একা খেয়ে নি তো মাছগুলো বিশ্বাস নেই, এখানে কমসে কম আরামসে থাকবে। এগুলো বড় বড় হয় এগুলো অনেক, এত ফটো লাগা না যদি কত বড় লোকটা ধরে যাবে, এত বড় বড় হয় মালটা তখন এখানে ডাকবো বড় অ্যান্ড মতলব मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ गाइस, लाइक आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, मैं इतना फ्रीक्वेंट नहीं हूँ, वीडियो उतना अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता है, फिर भी लाइक व्यूज़ आते हैं, बहुत लोग मैसेज करते हैं पहले जैसा, सच में मुझे उतना भी टाइम नहीं मिलता है, स्टिल मैं कोशिश करूँगा फ्रीक्वेंट वीडियो बनाने का, ठीक है। सो ये था गाइस आज का वीडियो, बहुत कुछ देखने को मिल गया, तो इसी तरह का वीडियो अगर आप लोग को देखना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मॉन्स्टर फिश कीपिंग इज चैलेंजिंग गाइस, ठीक है। देखिए सेनेगल लोग बाहर निकले हैं, हंट मोड में है, मैं एक दो दिन बाद इनको फीडिंग दूंगा, आज नहीं दूंगा, ठीक है। देखिए फायर हिल, तो मॉन्स्टर फिश कीपिंग बहुत मतलब चैलेंजिंग रहता है। आज आप लोग को एक चीज़ लेसन सीखने को मिला कि कभी भी एग्जिस्टिंग फिश के साथ नया फिश मतलब साइज कंपेयर करके आप डालिएगा, ये लोग बड़े फिश है, ठीक है, दे आर बिग बट स्टिल रिक्स है, ओके। स्पेशली अगर उसका अपोनेंट में आरटीसी होगा तो, क्योंकि आरटीसी को ट्रस्ट कभी नहीं करना चाहिए, वो बहुत बड़े बड़े फिश को भी निकल लेते हैं, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, हैव अ नाइस डे, पीस।